वेलकम टू ये पंकज 98 एजुकेशन। दोस्तों यहाँ पे मैं आपके लिए बेसिक कंप्यूटर कोर्स एकदम बिल्कुल फ्री लेके आ गया हूँ और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। भैया अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे वीडियो होने वाली थी, इसलिए भैया जिसको जरूरत है वीडियो को लास्ट तक देखना, अन्यथा आप जा सकते हो, कोई जरूरत नहीं। अगर आपको एक एक चीज़ समझना है, एक एक चीज़ की ज़रूरत है और भविष्य में इसकी आपको ज़रूरत है, तो इसको आपको पूरा देखना ही पड़ेगा। क्या प्रोसेस होने वाला मैं बताने वाला हूँ। सिंपल से आपको करना क्या, अपने मोबाइल के गूगल में जाना होगा, वहाँ पर आपको टाइप करना होगा STP कंप्यूटर। यहाँ पर देख रहे हैं ना, STP कंप्यूटर एजुकेशन आ चुका है। आपको सिंपल से STP कंप्यूटर एजुकेशन पर क्लिक कर देना है। आप जैसे STP कंप्यूटर एजुकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह के नोटिस आपको देखने को मिलेगा। इंटरफेस लॉगिन, फ्री आवर कोर्स, बेसिक कंप्यूटर को रजिस्टर, फ्री कंप्यूटर कोर्स, PDF एंड नोट्स। लेकिन हमको कुछ नहीं, सिंपल से आपको पहला जो आपको दिख रहा है STP कंप्यूटर एजुकेशन, इस पर आपको सिंपल से क्या कर देना है, क्लिक कर देना भाई मेरे, ठीक है। वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक करना और शेयर जरूर अपने दोस्तों के साथ करना। यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाता है आपको, लर्न फ्री कंप्यूटर कोर्स, फ्री सर्टिफिकेट, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट लर्निंग दिया है, आप इसको आप क्लिक करके यहाँ पे देख भी सकते हैं कि हमको लर्निंग को कैसे स्टार्ट करना है। यहाँ पे आपको एक वीडियो चलेगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस बताया गया, ठीक है। बाय द वे मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल से आपको नीचे आना है। यहाँ पे देखेंगे तो अभी मैं दिखा दे रहा हूँ इस साइट का इंटरफेस। यहाँ पे आवर फ्री कोर्स देखेंगे तो DCA बेसिक कंप्यूटर कोर्स, TLERP 9, और यहाँ पे सी आल कोर्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एडवांस एक्सेल, टेलीप्राइम, HTML, ठीक है। इस तरह के सभी कोर्सेस मिल जाते हैं। अब इन कोर्सेस को कैसे करना है मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। सिंपल से आपको यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा है राइट साइड में, यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना होगा और आपको जाना होगा यहाँ पे कहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। अगर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पे कि रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन कहाँ पे है। तो आप देखें लॉगिन के नीचे आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे आपको इस पर सिंपल से क्या कर देना है, क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए इस तरह से ऑप्शन खुलेगा। प्री स्टूडेंट, कृपया अपना ईमेल सही से डालें जो आपको मोबाइल या कंप्यूटर में लॉगिन हो, ताकि आप अपने वेरिफिकेशन कोड के साथ अपना अकाउंट वेरीफाई कर सकें। मतलब अब ऐसा ईमेल आईडी मत डाल देना भाई जो लॉग मतलब आप ओपन ही नहीं करके रखे हो, या कंप्यूटर में नहीं है, या तो आपके मोबाइल में ईमेल आईडी पड़ा ही नहीं है, तो OTP जाएगा तो कैसे क्या करोगे, फिर आपको लॉगिन करना पड़ेगा, बहुत मतलब टिटिम हो जाएगा। इसलिए आप वही ईमेल डालना जो आप ईमेल प्रॉपर यूज करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डालना क्या क्या, सबसे पहले आपको स्टूडेंट नेम डालना है, फादर एंड हस्बैंड नेम डालना है, क्वालिफिकेशन आप क्या अपना यहाँ पे क्वालिफिकेशन चूज करेंगे, अपना ईमेल आईडी मैंने बोला ना वही ईमेल आईडी डालना भैया जो आपके पास है, क्योंकि ये प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कब होगा जब आप OTP डालेंगे। मोबाइल नंबर अपना डालना और एक आपको सिंपल सा पासवर्ड डाल लेना ताकि आप लॉगिन करते समय उस पासवर्ड का यूज कर सकें। रेफरल ईमेल आईडी यहाँ पे पूछ रहा है, तो आप रेफरल ईमेल आईडी क्या डालोगे, मतलब आप किसके थ्रू आपको पता चला आपसे यह पूछा जा रहा है, तो आप मेरी ईमेल आईडी डाल सकते हो PSPankaj@gmail.com। मैं आपको दे भी दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, या तो मैं लिख भी दूंगा या अभी आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको रजिस्टर नाउ पे सिंपल से क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि वेरीफाई योर अकाउंट, और वो OTP मांगेगा जो OTP आपके मोबाइल पे गया है ईमेल आईडी पे। आपको अगर सर आप करके नहीं दिखा रहे तो भाई मेरे मैं कई बार रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ तो मैं बार बार नहीं दिखा सकता, मैं अभी लॉगिन करके दिखाऊंगा। रजिस्ट्रेशन में कोई भी दिक्कत होती तो आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, कॉल सपोर्ट मेरा, आपको आप मुझे मैसेज करेगा, आपको जरूर OTP जाएगा अगर ईमेल आईडी सही है तो, या कोई प्रॉब्लम होगी तो भी मैं बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें करना होगा, करने के बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद OTP डालने पर आपका अकाउंट सक्सेसफुल हो जाएगा। आपको फिर लॉगिन पे क्लिक करना होगा। लॉगिन पे जैसे मैं अपना ईमेल आईडी डालता हूँ, देखिए यहाँ पे है ना मेरा ईमेल आईडी PSPankaj, मैं बताया था ना ये ईमेल आईडी, आप रेफरल में इसको डाल सकते हैं। मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, जैसे लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे तो सिंपल से आपको यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे सर्टिफिकेट भी दिखाऊंगा भाई। देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर है मेरा, यहाँ पे फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, और ये मेरा ईमेल आईडी। आपको यहाँ पे ईमेल आईडी कंफर्म है, यही मेरा रेफरल ईमेल आईडी, इसको आप डाल सकते हैं। आपको अभी ईमेल है रेफरल में, आप इसको डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे दिखा दिया, मैं जूम भी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए कंप्लीट प्रोफाइल, जैसे आप लॉगिन करोगे ना तो आपका दिखाएगा यहाँ पर रेड कलर का नॉट कंप्लीट प्रोफाइल, क्योंकि बाहर बहुत कम ही डिटेल लिया गया था, मदर नेम नहीं लिया गया था, फादर नेम। तो यहाँ पे आपसे फादर नेम से लेके आपका एड्रेस वेड्रेस सब पूछा जाएगा, क्योंकि बाहर नहीं एड्रेस पूछा गया था, तो आपको एड्रेस से लेके सारी चीज़ें यहाँ पे क्या करना होगा, बताना होगा। और उसके बाद आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्लिप भी अपना डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास डाउनलोड है तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे PDF में खोलना है। यह आपको यहाँ पे देखिए आ गया ना, मदर नेम, ग्रेजुएशन, मेल, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पूरा सब कुछ आ जाता है। तो मैं
पूरा नहीं दिखा सकता आपको, जितना दिखाना था मैंने दिखा दिया। अब नीचे आप आएंगे तो इनरोल कोर्सेज, मैंने किस किस कोर्स में एडमिशन लिया। देखिए मेरा जो है एग्ज़ाम डेट 6 फरवरी का था, ठीक है, टैली RP9 का। मैंने एग्ज़ाम छोड़ दिया, नहीं दे पाया, तो मैं इसको अभी दे सकता हूँ शेड्यूल एग्ज़ाम। मतलब आप एग्ज़ाम नहीं दे पाते, भूल जाते हैं, तो आप रिशेड्यूल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बेसिक कंप्यूटर कोर्स का एग्ज़ाम अभी मेरा 24 जून को होगा, मतलब होने वाला है। HTML का मैंने यहाँ पे दे दिया है, देखिए यहाँ पे। और मार्क्स आपका देखिए, जैसे मैं क्या हूँ कि वीडियो बनाते समय मैंने तुक्का मारा था यहाँ पे, तो 19 नंबर आया था, क्योंकि मैं वीडियो बनाने के लिए तुरंत मुझे सर्टिफिकेट दिखाना था, तो मैं इसलिए यहाँ पे तुक्का मारता चला गया, कोई भी क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको तुरंत रिजल्ट भी दिखा देता है यहाँ पे, जब एग्ज़ाम आपका होता है तो। और आप यहाँ पे सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, मैं यहाँ पे सर्टिफिकेट डाउनलोड कर रहा हूँ अपना, करा डाउनलोड करिए, और मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लिया, तो ये आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर और इस तरह से आपको सक्सेसफुल क्या है अब पूरा आपका, ठीक है। इसको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, और आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये डाल के मैं इसको वेरीफाई करके दिखाऊंगा। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है और यहाँ पे आपका 11391 सर्टिफिकेट नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने दोस्तों के साथ रेफरल भी, आप जैसे मेरा रेफरल ईमेल आईडी डालें, तो आप किसी और को बताएं तो वहाँ पे आप अपना रेफरल डालेंगे, तो आप कितने, आपके द्वारा कितने लोग रेफरल हुए यहाँ पे दिखाएगा भी, ठीक है। देखिए आप मेरा डालेंगे तो आपका नाम मुझे आपका नाम दिखा देगा, तो मेरा 108 हो चुका है। रेफरल से मुझे फ़ायदा हो रहा है कि मैं वेब डेवलपमेंट कोर्स जो 6000 के इनका पेड कोर्स चलता है वो मुझे फ्री मिल जाता है। तो आप भी फ्री में लेना चाहते हैं वेब डेवलपमेंट कोर्स, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद कोई कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके बाद आप किसी और को रजिस्ट्रेशन करने के लिए जब बताएंगे तो आप अपना जो है कि रेफरल ईमेल आईडी अपना बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ आपको सर्टिफिकेट भी दिखा दूँ, जो मैंने भी सर्टिफिकेट था मेरे पास, ठीक। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पता है ना, और सर्टिफिकेट नंबर सबका अलग अलग आता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर जाना होगा वेरीफाइड पे, यहाँ पर मिल जाएगा आपको। मैं यहाँ पर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन पे आपको जाना होगा, ठीक है। सिंपल से यहाँ पे आपको जाना होगा और यहाँ पे आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा और सर्टिफिकेट नंबर पूछेगा, तो आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया, अब सर्टिफिकेट नंबर मुझे डालना होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे दोनों डाल दिया, मैं वेरीफाई नाउ पे क्लिक करूँगा। देखिए सर्टिफिकेट वेरीफाई, मेरा पूरा यहाँ पे डिटेल आ जाता है, स्टेटस में वेरीफाइड भी दिखा देता है, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं अपना कि मेरा सर्टिफिकेट वेरीफाई है कि नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे मैं बता दूँ कि अगर आपको पेड कोर्स करना है, यही सारे कोर्सेज को पेड करना है, तो आप पेड कोर्स भी कर सकते हैं। आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, पंकज नाइनेट एजुकेशन ऑफिशियल साइट हमारी खुद की चलती है, और मैं घर पे सर्टिफिकेट पहुँचाता हूँ। ओरिजिनल हार्ड कॉपी जो सर्टिफिकेट का होता है उसको मैं आपके घर पर देता हूँ। तो आप वो भी कोर्स करना चाहते हैं, टैली का हो या बेसिक कंप्यूटर कोर्स का हो, तो एक चीपेस्ट प्राइस पे कर सकते हैं। DCA का ऑफर भी चल रहा है, तो आप कोई भी कोर्स मेरे यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके बाई करेंगे, आपका सारा सब कुछ वहाँ पे प्रोसेस मिल जाएगा आपको वहाँ पे, ठीक है। अब मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो STP कंप्यूटर में अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप होम पे जाइए, जैसे रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम होती है तो स्टार्ट लर्निंग का ऑप्शन दिया है, आप सिंपल से इस पर क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको एक वीडियो मिलेगा, उस वीडियो को आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगा कि रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है आपको दिखाया गया, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ आपको समझ में आएगी। वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पहली बार आता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।